कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे 4 पोलिंग स्टेशन पर रिपोल था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टोटल 278,000 वोटर्स थे, जिसमें से 210,000 वोटर्स ने अपने वोटिंग राइट का यूज़ किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वोटिंग पोल परसेंटेज 75.5% रहा और मेल और फीमेल दोनों का ही पोल परसेंटेज 75% से ऊपर रहा। हमारे टोटल 114 कैंडिडेट इन DDC इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं और कल इसकी काउंटिंग है, जिसके लिए 14 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं और इन 14 काउंटिंग हॉल्स की 3 हमारी लोकेशन रहेंगी, जिसमें हमारे मेंडर सब डिवीजन के लिए शीश महल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में, हमारे सूरनकोट सब डिवीजन की DDC कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए डाइट पुंछ में और हमारी मंडी हवेली जो सेगमेंट है इसकी DDC कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हमारे डिग्री कॉलेज पुंछ में काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं और ये हमारी काउंटिंग 9 बजे से स्टार्ट होगी। सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट से मेरी ये गुजारिश है कि वो टाइमली उनके वो और उनके या फिर उनके जो काउंटिंग एजेंट हैं वो जल्द से जल्द जो टाइमली वो अपने काउंटिंग हॉल्स में पहुँच कर ये प्रोसेस को जो इस प्रोसेस को टाइमली ताकि ये स्टार्ट हो चुके। उसके साथ साथ सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट से ये भी गुजारिश है कि वो इस पूरी काउंटिंग प्रोसेस को स्मूथली कराने में भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और जो भी रिजल्ट आए, क्योंकि इन द एंड जो जनता का फैसला होता है वही डेमोक्रेसी में फाइनल होता है, तो जो भी फैसला आए जनता की तरफ से जो भी फैसला किया जाए उसको वो पूरे दिल के साथ स्वीकार करें और कोई भी इस टाइप का इंसिडेंस हमारे पुंछ में ना हो, जिससे कि जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से किए गए हैं। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में धारा 144 आज शाम 6 बजे से नाफिज की जा रही है, जो कि 22 और 23 तारीख को भी नाफिज रहेगी और उसमें इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के प्रोसेशन, चाहे वो प्रोटेस्ट मार्च हो या फिर वो कोई और प्रोसेशन हो या फिर विक्ट्री मार्च हो, सभी पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। बार और पब्स या फिर कोई भी वाइन शॉप, उनको भी आज शाम 6 बजे से लेकर 23 तारीख तक रात के 12 बजे तक उनको भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेशन या फिर 4 से ज़्यादा लोगों की कोई भी असेंबली को अलाउ नहीं किया गया है। इसके साथ साथ सभी केवल वही एजेंट या फिर जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं, जो जिन्होंने डुली जो है अपना कार्ड इशू करवाया है और या फिर हमारे जो स्टाफ लगाया गया है काउंटिंग के लिए और सिक्योरिटी पर्सनल और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट, केवल उन्हीं को ही काउंटिंग हॉल्स में काउंटिंग वैल्यू में अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन काउंटिंग हॉल के 100 मीटर के दायरे में अलाउ नहीं किया जाएगा। तीनों ही हमारे जो 3 लोकेशन है उस पर हमारे मीडिया को प्रॉपर ब्रीफिंग देने के लिए 3 मीडिया गैलरीज भी बनाई गई हैं, जहाँ पर हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो भी प्रॉपर डिटेल्स ले सकते हैं ताकि वो भी अपडेटेड रहें और आम लोगों को भी रिजल्ट्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ हमारे जितने भी काउंटिंग हॉल्स हैं उसमें जो हमारे CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि पूरे ही हमारी जो काउंटिंग के प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी किया जा सके। आप मीडिया के माध्यम से मेरी सभी पुंछवासियों से और सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट से ये गुजारिश है कि वो इन इलेक्शंस में जिस तरह से उन्होंने इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया उसी तरीके से वो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उसको भी पूरे दिल के साथ स्वीकार करें और जो भी रिजल्ट आए उसको जो है माने। उसके साथ साथ जो पूरी काउंटिंग प्रोसेस है उसको भी एक अच्छे खुशनुमा माहौल में कराने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। पूरे पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई भी कोताही किसी भी एजेंट के थ्रू या फिर किसी भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट के थ्रू की जाती है तो उसके लिए कंटेस्टिंग कैंडिडेट को लायबल किया जाएगा। इवन अगर किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट का कोई एजेंट या फिर उसके कोई सपोर्टर्स भी के द्वारा भी कोई अप्रिय घटना, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो उसके लिए भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मैं सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस जिस तरह से हमारे एक इलेक्शंस अच्छे माहौल में कंडक्ट हुए कुछ अपनी घटनाओं को छोड़कर, इस बार हमने काउंटिंग में उससे भी बेहतर हमने अपनी जो है अपने अपने हमने अपने जो डेमोक्रेसी के प्रति हमारा जो प्रेम है उसका मुजाहरा करते हुए जो भी रिजल्ट आए उसको स्वीकार करना है और कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने।